सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केएस डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पे। आज भाई आपको ऐसी गाय दिखा रहे हैं कि जिस गाय ने मान लो रिकॉर्ड सेट किया है उस गाय की वीडियो लेकर के आए हैं आज अपने चैनल पे। कुछ भाई गाय को देख के पहचान भी जाएंगे कि ये कौन सी गाय है। पहले आपको अच्छे से गाय दिखा दूँ, कुछ क्या सभी पहचान जाएंगे जो एचएफ गाय को देखने वाले हैं, एचएफ गाय को प्यार करने वाले हैं, वो देख के समझ जाएंगे कि ये गाय कौन सी है। जिस गाय की आपको डिटेल से बताता हूँ कि इसने क्या किया है, गाय ने क्या रिकॉर्ड सेट किए हैं। पहले गाय देख लो अच्छे से, इतनी लंबी जो हाइट और इतनी चौड़ाई में पीठ है गाय की, और गाय को आज 40 दिन हो गए मिल्किंग पे चलते हुए, और इतना ज़्यादा दूध हो गाय के नीचे जिसके, और इतनी अच्छी उसकी मान लो बॉडी स्ट्रक्चर है कि गाय देखने में ऐसे लग रही है जैसे प्रेग्नेंट हो, 40 दिन का बच्चा दिया हुआ है गाय का। और ये देख लीजिए आप करेक्टर्स गाय के, ये देख लीजिए। पहले आपको मैं इसी गाय का सारा रिकॉर्ड बताता हूँ, चमना आपको इसी गाय का रिकॉर्ड बताता हूँ सारा, ये गाय में क्या खासियत है और क्या क्या इस गाय ने किया। भाई जी, एक गाय 12 दिन का इसका बच्चा था, 12 डेज की काविंग थी इस गाय की, तब लाइव मिल्किंग हुई थी सनसनीवाल डेयरी फार्म, यूट्यूब चैनल है जो उनका, उसके ऊपर सनसनीवाल डेयरी फार्म करके शायद जो यूट्यूब चैनल उनका यही नेम है, तो उसके ऊपर इस गाय की प्रितपाल भाई के घर पे लाइव मिल्किंग हुई थी, जिसने 12 दिन का बच्चा दी ने 60 प्लस दूध दिया था। और इस गाय का जो पीक गया है वो 73 प्लस का गया, 73 लीटर्स पर डे का इसका गाय का पीक पॉइंट जो गया है। अभी ये गाय को 40 दिन हो गए हैं बच्चा दिए को, अभी इसकी दो टाइम मिल्किंग है, और दो टाइम मिल्किंग में इसका 66 लीटर दूध अभी रेडी है आज के दिन में। दो टाइम मिल्किंग में, तीन टाइम हम मिल्किंग नहीं करते, दो टाइम ही मिल्किंग करते हैं, दो टाइम मिल्किंग में आज इसका 66 लीटर दूध गाय का रेडी है। जो गाय ब्लड लाइन वाइज देखें, रिकॉर्ड वाइज देखें, तो वर्ल्ड क्लास बुल है यूनियर, जिसके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आए हैं यूनियर बुल के, तो यूनियर के सीमन की ये खुद है गाय। और इसका मेल का भी काफ़ी हाई जो प्राइस में सेल हुआ है कुछ दिन का ही, काफ़ी अच्छी ज़्यादा प्राइस में सेल हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं प्रितपाल भाई का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मेरे को ये गाय जो बिल्कुल बोले कि डायमंड पीस दिया अपने फार्म का, तो उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि पैसे से अगर देखे तो ऐसी चीज़ नहीं खरीद सकती। पैसे से तो अगर किसी को मेरे को कोई अगर देखे 10 लाख भी दे तो मैं गाय ये नहीं दूंगा। प्यार से अगर यारी दोस्ती में चलो चलता रहता है कि उनसे गाय ले ली, या उनको उन्होंने मेरे को और भी गिफ्ट दिया वो भी आपको दिखाता हूँ, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये गाय अगर हम देखें जो ब्रीड वाइज भी है ना, दूध लाइन की गाय तो है ही है, लेकिन जो इसकी ब्रीड करेक्टर्स हैं, जो इसकी पीठ की चौड़ाई, अडर का स्ट्रक्चर, जो बॉडी स्ट्रक्चर, अडर की क्वालिटी, मिल्क लाइन के प्लस साथ साथ प्लस से अगर ये गाय को हम ब्रीड कंपटीशन में भी डालें ना, तो ये गाय फर्स्ट से सेकंड नहीं करेगी, इतनी मेरे को श्योरिटी है, इतना विश्वास है गाय को, गाय के ऊपर कि ये फर्स्ट पे ही रहेगी। और गाय की हेल्थ वाइज ब्रीड करेक्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और दूध की लाइन का तो कोई इसका मान लो तोड़ ही नहीं है, या मैं बोलूँ कि ये 70 लीटर की है या ये 50 लीटर की है, तो सभी लोगों ने 12 दिन की काविंग का 60 से प्लस 12 दिन में गाय बिल्कुल सेट नहीं होती, गाय पूरा खाने पीने भी नहीं लगती, पीक तो क्या ही आना है गाय का, आज इसका पीक है। तो अभी अगर हम इसको आज भी तीन टाइम मिल्किंग पे लेकर आए गाय को, तो ये आज भी गाय ये जो उस रिकॉर्ड जो इसने पीक दिया है 73, उस रिकॉर्ड से ऊपर को जाएगी। लेकिन हमें ऐसा है कि इसको टाइम से गबन करवाएं, इसको अगले साल के लिए इसकी प्रेपरेशन करें जो आगे कंपटीशन आ रहे हैं, लेकिन इसकी मिल्किंग लाइव करवाएंगे। एक गाय और है वो भी चल रही है 67-68 लीटर दूध पे, उसकी भी लाइव मिल्किंग करवाएंगे। तो ये गाय जो मेरा दिखाने का मकसद ये है कि लोगों को ब्रीड के बारे में और पता लग सके। लेकिन कुछ लोग कहते कि हैं कि मनजोत भाई जो KSDG वाले हैं वो गाय महंगी देते हैं, या वो दूध कहते हैं 60 देगी 65 देगी। भाई हमारे घर पे आए ओपन, हम हर किसी बंदे को बोलते हैं चाहे HF लेनी है, जर्सी लेनी है, हमारे फार्म पे आओ, यहाँ पे रुको, एक टाइम मिल्किंग करो, 10 टाइम मिल्किंग करो, जैसी गाय चाहिए वैसी गाय मिलेगी, पैसा अच्छा लगाना पड़ेगा। आज गाय खरीदी हमने, चलो पैसे से तो नहीं, लेकिन जितने की भी खरीदी है, लेकिन बहुत अच्छे दाम में खरीदी है, हाई रिकॉर्ड प्राइस के ऊपर गाय खरीदी है ये गाय, क्योंकि सभी लोगों इसके ग्राहक, हालांकि बहुत ज़्यादा ग्राहक थे गाय के,
लेकिन उन्होंने हमारी मान लो दोस्ती की, इज्जत की हमारी, तो उन्होंने ये गाय हमें दी, तो उनका बड़ा धन्यवाद है। लेकिन अगर ये गाय को कहते कि हमने ये सेल करनी है, तो इसके आज उनके घर पे 100 लोग गाय लेने के लिए खड़े होते इस गाय का, इतना रिकॉर्ड, क्योंकि ये गाय ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर इसने साबित किया है, बहुत कम दिन की बच्चा दी ने इतना अच्छा दूध दिया, उसके बाद इसने पीक जो 73 लीटर का पीक दिया गाय ने, और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो क्लास की गाय है। हालांकि आप देखिए कि इतना दूध देने के बावजूद भी गाय, कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि गाय ये जो बच्चा दिया अभी प्रेग्नेंट लग रही है देखने में, 40 दिन से प्लस टाइम हो गया इसको बच्चा दिए को, आई थिंक 46-47 डेज हो गए इसको बच्चा दिए को, और बाकी गाय आपके सामने है, बहुत ही अच्छा दूध दे रही है गाय, हमारे फार्म पे भी सेट हो गई है, अच्छी लाइन पे चल रही है, अच्छे करेक्टर्स हैं, और अभी तक के मेरी नॉलेज में इंडिया की वन ऑफ द टॉपेस्ट गाय है ये हमारे फार्म पे, तो वही है, मैंने हमारे तक आज तक तो इतने अच्छी गाय नहीं पहुंची, दूध तो चलो गाय देती रहती है, लेकिन ये जो ब्रीड वाइज भी जो शो लेवल की जो अगर हम देखें ब्रीड में भी कंपटीशन में लड़ेगी, मिल्किंग में भी लड़ती है, और इतनी बॉडी अच्छी गाय की और इतना जो स्ट्रक्चर मेंटेन किया गाय